أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما Now we start our topic solubility and the effect of the temperature on solubility. Now we dissolve 24 grams of the crystals of the blue copper sulfate in 100 grams of the water at the room temperature to make saturated solution. अब वो क्या कह रहे हैं कि आप 24 grams of crystals of blue copper sulfates लें, ठीक है, और उसको room temperature पे रख दें तो वो क्या बना देगा, saturated system बना देगा. और second पे उन्होंने कहा है कि आप 36 grams of the table salt in 100 grams of the water at room temperature रखें टू मेक इट्स सैचुरेटेड सिस्टम, वो अपना सैचुरेटेड सिस्टम बना देगा. तो ये किस वजह से, ड्यू टू सॉलिबिलिटी है. इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉलिबिलिटी ऑफ द रूम टेम्परेचर. टेम्परेचर अब नेक्स्ट में उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है कि आप 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लें, ठीक है, बीकर के अंदर डाल दें, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट डाल दें और उसको हीट अप कर दें बीकर के अंदर डाल के, ठीक है. जब आपने उसको बीकर के अंदर डाल के हीट अप किया तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास सॉल्ट के टुकड़े होंगे वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएंगे. इसी तरह आप अगर सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, ठीक है, उसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख रहे हो तो क्या होगा कि वो जो सोडियम क्लोराइड होगा, वो जो सॉल्ट होगा, वो डिसॉल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेट होगा बनिस्बत जो हम हीट कर रहे होंगे, हीट अप कर रहे होंगे. तो इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और नेक्स्ट स्टार्ट और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्यूशन. अब द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्यूशन इज़ The sea is the world's largest solution. Many salts are dissolved in the sea water. Second है हमारे पास defined solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more compounds. Homogeneous mixture क्या होता है, which has the uniform appearance. इसकी example हमारे पास क्या है, the mixture of salt. What do you mean by the solute? A solute is a substance which dissolve into a liquid, sugar gases into a hot water. और next is defined solvent, which is the example. The substance in which solute is dissolving is called a solvent. Example, when salt mix into a water. और next क्वेश्चन इज हाउ सॉल्यूशन इज मेड. अब वो कह रहे हैं सॉल्यूशन कैसे मेड बनता है, व्हेन सॉल्वेंट डिसॉल्व इनटू अ सॉल्यूट दैट मेक अ सॉल्यूशन. नाउ वी स्टार्ट आवर एक्टिविटी नंबर वन. फर्स्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर देन शुगर. अब हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कि शुगर इज़ अ सॉल्वेंट, क्योंकि ये मिक्सचर है हमारे पास, जो चीज़ मिक्स हो जाए वो सॉल्वेंट होती है और वाटर इज़ अ सॉल्यूट, ठीक है. सॉल्यूट जो होता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसा कि सॉलिड में हो गया, लिक्विड में हो गया और गैसेस में हो गया, ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि शुगर को मिक्स करेंगे पानी के अंदर. सबसे पहले हमने इसको पानी के अंदर डाला, ठीक है, और इसको मिक्स किया, ठीक है. अब आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है सेटल डाउन हो रहे हैं इसके पार्टिकल्स और ये डिसॉल्व हो रहे हैं. ये एक्टिविटी हमारी करने का मकसद ही ये है कि हम आपको बता सकेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. जो चीज़ पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए वो हमारे पास होता है सॉल्वेंट, ठीक है, और जो चीज़ डिसॉल्व होती है, जैसे कि हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया है तो उन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया. जब ये डिसॉल्व हो जाएगी तो ये एक सॉल्यूशन बना देगी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विच इज़ मेक अ सॉल्यूशन, ठीक है. ये आप देखें हमारे पास कि जो शुगर है ये हमारे पास डिसॉल्व हो रही है.
नाउ यू कैन सी डैट के जो है शुगर जो है डिजॉल्व हो चुकी है इसके अंदर, और ये हमारे पास जो है वाटर जो है वो सल्यूट है, और जो शुगर है वो सॉल्वेंट है। शुगर जो है वो सॉलिड फॉर्म में थी हमारे पास, तो ये हमने जब इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया है तो ये हमारे पास क्या बन गई, सल्यूशन बन गया। टू मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स विच मेक अ सल्यूशन। नाउ यू कैन सी डैट कि हमारे पास एक प्रॉपर चीज सल्यूशन आ गया।